भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने और विवादित बयान दिया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी महासचिव बनाने के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तब से पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजी जारी है। उसी क्रम में बलिया जिले के बैरिया सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तुलना रावण से की है। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को शूर्पनखा बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को टूटी हुई नाव बताया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि इस बार चुनाव में राहुल गांधी रावण की भूमिका में हैं, वहीं नरेंद्र मोदी राम की भूमिका में हैं। उन्होंने कहा है कि मान के चलेगा कि लंका विजय होकर रहेगी। टूटी हुई नाव नौका हो चुकी है, वो तो केवल एसटी एक्ट के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत गई, नहीं तो उसको कहीं भी चंदन लगने वाला नहीं।